मिस्टर उमर, ये बताइएगा कि किस तरह की सेल्फ टॉक की जाती है? हम दिन भर बहुत सी बातें करते हैं और बहुत सोचें आती हैं, स्टेटमेंट्स पास करते हैं खुद को, तो वो स्टेटमेंट्स किस तरह की होती हैं अमूमन? जिस तरह आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सेल्फ टॉक होती क्या है, तो जाहिर सी बात है जब इंसान के जहन में मुख्तलिफ किस्म के ख्याल आते हैं तो प्राइमरीली उसको दो किस्म की सेल्फ टॉक्स में डिवाइड किया गया है जो कि रिसर्चर्स हमें बताती हैं। एक होती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक और एक होती है नेगेटिव सेल्फ टॉक। अब पॉजिटिव सेल्फ टॉक जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि जब आपकी सोचें और जो भी आप अपने साथ बातचीत कर रहे हो जब वो मुस्बत एक डायरेक्शन में जा रही हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी आपने एक एग्जांपल दी कि मैं जब सुबह उठी और मैं लेट हो रही थी तो मैंने अपने साथ एक मुकालमा किया कि आप हमेशा ही ऐसा करती हो, तो इसी तरह एक बंदा जो अपने आप को ये कहता है कि यार कोई बात नहीं मैं पहुँच जाऊँगा टाइम पर, तो ये एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव सेल्फ टॉक की कि जो आप अपने आप को एक मैसेज अंदर से दे रहे हो वो कोई पॉजिटिव नोट पे एंड हो रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर लूँगा, ये मेरे बस में है। इस किस्म की जो बातें होती हैं, जो थीम्स होती हैं हमारी बातों की सेल्फ टॉक की, वो पॉजिटिव कहलाती है। और नेगेटिव बिल्कुल इसका उल्टा होता है कि आप अपने आप को कभी अपने आप से बात करते हुए आप हमेशा अपने आप को कहते हो कि मुझसे काम नहीं हो सकेगा, या मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं लेट हो जाऊंगा, मैं टाइम पे नहीं पहुंचूंगा, मुझे डांट पड़ जाएगी। या अगर आप सेल्फ टॉक बेसिकली ये होता है कि आप किसी से पूछ रहे होते हो कि तुम क्या कर रहे हो बैठ के, और वो कहता है मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो बेसिकली वो भी अंदर ही अंदर सेल्फ टॉक कर रहा होता है। तो वो सोच आप क्या सोच रहे हो और किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आया वो कोई पॉजिटिव चीज़ है, क्या आप कुछ प्रोडक्टिव करने के बारे में सोच रहे हो, या आप ये सोच रहे हो कि यार ज़िंदगी बहुत मायूस है, मुझसे नहीं हो सकता, या मैं कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। तो इस किस्म की जो सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स आती हैं आपको, वो आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक बेसिकली शो करती हैं। अब अगर आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक को फिर फर्दर अगर डिवाइड करें तो वो दो मजीद किस्मों में डिवाइड होती है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, बट जो दो टाइप्स हैं, एक होती है नैरेटिव सेल्फ टॉक। फर्दर अगर आप डिवाइड करें, नैरेटिव में ये होता है कि आप एंटिसिपेट कर रहे होते हो फ्यूचर के बारे में कि अब मैं वो काम, होती पॉजिटिव ही है बट आप फ्यूचर के बारे में कर रहे होते हो कि अब मैं वो काम आगे जाके करूँगा, अपने माइंड में आप प्लानिंग कर रहे होते हो कि अब मैंने कल ये काम करना है। दूसरी जो टाइप होती है वो आप प्रेजेंट में रह के करते हो कि मैं ये काम अभी करूँगा, या मैं प्रेजेंट में इस काम को करने के बारे में कोई मंसूबा बना रहा होता हूँ। तो ये आपके व्यू पॉइंट को पॉजिटिव सेल्फ टॉक के अंदर रहते रहते काफ़ी ज़्यादा शेप कर सकती है कि आया आप काम कल पे छोड़ रहे हो या आप आज अभी करने के बारे में बात कर रहे हो। तो टोटल ये चार मेन किस्म की सेल्फ टॉक की टाइप्स होती हैं। देखिए, अभी जैसे उमर साहब ने टाइप्स बताई ना, तो आप देखें कि शुरू से ही हमें, अनफॉर्चुनेट बात है आई मस्ट से दैट, कि शुरू से ही कोई अच्छी बातचीत हम अपने बारे में नहीं सुन रहे होते हैं। यानी हमारा इर्द गिर्द का माहौल जो है वो हमें कोई अच्छी बातें नहीं बता रहा होता। अच्छा, इंटेंशंस ख़राब नहीं होती हैं, यानी पेरेंट्स और टीचर ही होते हैं शुरू में जो जिनके साथ हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो वो इन गुड इंटेंशंस के साथ जो अंदाज अपनाते हैं, होती नीयत अच्छी है कि हम प्रोग्रेस करें, हम आगे बढ़े, लेकिन जिस अंदाज से वो बातचीत करते हैं, जैसे कि पढ़ोगे नहीं तो फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर तुमने गलती कर दी, ये तुमने क्यों किया, तुम हमेशा ऐसे करते हो, सो एक बाहर से आने वाली बातचीत जो है, यानी ऑल द टाइम जब हम ये सुन रहे होते हैं कि यू आर नॉट राइट, इन अदर वर्ड, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपके ऊपर। कहीं ना कहीं पर ये बिलीव बन जाता है कि मैं कोई काम का बंदा नहीं हूँ। क्यों हमने सेल्फ वर्थ को चुना? क्योंकि हम सब, सेल्फ वर्थ का सिंपल मीन है हम अपने बारे में, हमारा व्यू पॉइंट क्या है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या हम अपनी इज्जत करते हैं या नहीं करते। तो ओवरऑल जो हम एक अपने बारे में एक व्यू पॉइंट रखते हैं, सोच रखते हैं, उसको सेल्फ वर्थ कहा जाता है। सो जब हम दूसरों से ऐसे बात सुनते हैं, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि नीयत अच्छी होती है टीचर्स की भी, पेरेंट्स की भी, कि वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन जिस अंदाज से वो हमसे बात करते हैं वो थोड़ा नेगेटिवली बच्चों के जहन पर इम्पैक्ट करती है। उनका आहिस्ता से एक बिलीव बनना शुरू हो जाता है ग्रेजुअली कि दे आर नॉट गुड इनफ, कि वो कोई कमाल के नहीं हैं, और फिर यही बातचीत का जो आप समझ लें कि मॉड है, वो हम खुद भी अपनाते हैं। आप देखें किसी भी किस्म के सरकमस्टांसिस में मोस्टली लोगों के जहन में पहले नेगेटिविटी,
जरा पॉप अप होती है उनके ख्याल में, पहले नेगेटिव ख्याल आता है, फिर खींच खांच कर कोई पॉजिटिव दूर बाहर से या कोई इर्द गिर्द के माहौल में करें. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एक बुक में पढ़ रही थी कि जब हम फाइट और फ्लाइट यानी जब हम हाईली स्ट्रेस्ड होते हैं और हमें रिएक्ट करना होता है और दिमाग के कुछ केमिकल ऊपर नीचे होते हैं, यानी दिमाग का एक एरिया है जो कि हमारे फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्सिबल है, यानी वो जिम्मेदार है, वो बताएगा कि कैसे हमने रिएक्ट करना है. जब हम सेल्फ टॉक को साउंड करते हैं, मैं बहुत हैरान हुई थी ये पढ़कर, ये रिसर्चर्स ने, एक्सपर्ट्स ने बताया. मिसाल के तौर पर आप डरे हुए हैं किसी बात से, ठीक, आपको माहौल में थ्रेट फील होता है और आपका ब्रेन में एक सिस्टम है अलार्म का, वो अलार्म बज जाता है कि जी आप बहुत बाहर कोई तूफान मचा हुआ है एंड यू हैव टू प्रिपेयर. पूरा इंटरनल सिस्टम उसको फाइट करने के लिए प्रिपेयर होता है या फ्लाइट करने के लिए, वट एवर द रिस्पॉन्स. अब उसमें अगर हमारी सेल्फ टॉक साउंड हो जाए ना, तो वो अलार्म जो हैं केमिकल के वो बंद हो जाते हैं. आई मीन आप अपने अगर रूम में हैं और आपको कोई बाहर से आहट की आवाज़ आई है, तो फौरन से आपका ब्रेन आपको ज़रा खौफ वाली स्टेट में अलर्ट कर देगा, एक सायरन सा बजना शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर आप खुद से बात करती हैं कि नहीं कोई बाहर नहीं है, या मेरा पेट होगा या मेरा कोई बहन भाई है, तो ये खुद से बात फौरन से आपके अलार्म को बंद भी कर देगी. ये इतनी इम्पैक्टफुल है कि आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है जब हम पॉजिटिव और न्यूट्रल वन, पॉजिटिव ना भी हम अगर अचीव कर सकें तो एक रियलिस्टिक सेल्फ टॉक को तो हम अचीव कर ही सकते हैं, इन माय ओपिनियन.